फिरोजाबाद में आज अखिल भारतीय सोहम महासभा के 39वां आयोजन आरंभ हो चुका है। इस आयोजन का शुभारंभ 551 सौभाग्यशाली महिलाओं ने कलश उठाकर किया, जिसमें कलश यात्रा का आरंभ फिरोजाबाद के प्रमुख राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए रामलीला मैदान तक ले जाई गई। इस कार्यक्रम में नगर निगम मेयर रूतन राठौर भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सोहम महामंडल के मीडिया प्रभारी अनुग्रह गोपाल अग्रवाल ने बताया कि दोपहर 2 बजे से संत महापुरुषों के प्रवचन भी आरम्भ होंगे। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह, SKH न्यूज। देखिए मेरी आवाज इतनी थी उतनी आपके नहीं है, इसलिए जरा जोर से लगा बैंड वाले भी। तो हम ये 651 की जगह 777 जो महिलाएं आई है ना, नंबर तो लिख गया है। हाँ भाई, अब ऐसा करो एक बार बिना हाथ उठाए बोलना, बड़ा कलश लीजिए और संत महापुरुषों के द्वारा यह सत्संग का कार्यक्रम श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी सुहाग नगरी आज इस रंगारंग कार्यक्रम को देख करके अभिभूत हो रही है और ये भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का ये जो संगम कहाँ रहती हो? तो कैसा लग रहा है आज कलश यात्रा निकली है सोम की? अच्छा लग रहा है आपका आज भगवान की सोम की कलश यात्रा निकली है, तो आपको कैसा लग रहा है? कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कहाँ तक आई? और कहाँ प्रस्थान की है? रामलीला मैदान। रामलीला मैदान। अमित शर्मा कहाँ रहती हो? गांधीनगर। तो आज कलश यात्रा सोम की निकली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग, भगवान के नाम पे तो बहुत अच्छा लगता है। कई दिन चलेगा ये प्रोग्राम? 7 दिन 8वें दिन भंडारा। तो आप 8 ही दिन आएंगे यहाँ पे? देखो प्रभु की कृपा है। नहीं, जब आज आई है तो आप आना ही होगा। कोशिश करेंगे भैया, उन्हीं की कृपा से सब काम होता है, वो उनकी कृपा होगी तो डेली आएंगे। मैं स्वामी सत्यानंद सोहम आश्रम वृंदावन से अखिल भारतीय सोहम महामंडल के द्वारा शाखा फिरोजाबाद के द्वारा ये कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में राधा कृष्ण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई और बाजार से होती हुई रामलीला मैदान में आई है। यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ होगा, जिसमें गायत्री महायज्ञ और श्रीमद्भागवत कथा तथा संतों का संत सम्मेलन इसका क्रम रहेगा। कौन सा विराट सम्मेलन है ये? हाँ, ये 39वां विराट संत सम्मेलन है। कितने कलश यात्रा और इसमें 751 माताओं ने भाग लिया है। लोग तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अब आज से प्रारंभ हो रहा है और ये कार्यक्रम 22 दिसंबर तक चलता रहेगा। सबसे पहले गायत्री महायज्ञ और उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा और उसके बाद 2 बजे से संत महापुरुषों का, 2 बजे से 5 बजे तक संत महापुरुषों का ये सत्संग रहेगा।